तो आज हम लोग चैप्टर सेवन पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल फार्मेसी का सो so फर्स्ट हम लोग देखेंगे डेफिनेशन क्या होता है सो so इंडस्ट्रियल फार्मेसी एक डिसिप्लिन है जो इंक्लूड करेगा मैन्युफैक्चरिंग डेवलपमेंट मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग क्वालिटी अश्योरेंस ऑफ दिस एक्टिविटी सो यहाँ पर क्या होता है इंडस्ट्रियल फार्मेसी में इंडस्ट्रियल फार्मेसी में हम लोग फर्स्ट मैन्युफैक्चर करेंगे जो ड्रग प्रोडक्ट है उसका मैन्युफैक्चर होगा फिर डेवलपमेंट होगा और फिर मार्केट फिर उसका क्वालिटी अश्योरेंस होगा और फिर मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन होगा ये डेफिनेशन है इंडस्ट्रियल फार्मेसी का अब हम लोग देखेंगे शेड्यूल एम वन क्या होता है शेड्यूल एम वन गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्लांट एंड इक्विपमेंट फॉर होम्योपैथिक प्रैक्टिस पे बेस्ड है ओके शेड्यूल एम वन सो फर्स्ट हम लोग देखेंगे कि जनरल रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है इंडस्ट्रियल फार्मेसी स्टार्ट करने के लिए सो फर्स्ट इज लोकलाइजे लोकेशन एंड सराउंडिंग सो फर्स्ट प्रीमाइस शाल बी सिटेटेड इन अ प्लेस विच शाल नॉट बी एजिसन टू ओपन रेंजर सो यहाँ पर ये पॉइंट पे लिखा है कि जो इंडस्ट्रियल uh, फार्मेसी है वो ऐसे uh, जो प्रेमाइस है उसके वो uh, ऐसे जगह पर रहने चाहिए जहाँ पर कोई ओपन ड्रेन नहीं हो जहाँ पर पब्लिक लेबेटरी नहीं होनी चाहिए कोई भी पल्यूशन uh, जो कॉन्टेमनेट कर सकते हैं हमारे ड्रग प्रोडक्ट्स को वो चीज़ नहीं रहनी चाहिए सराउंडिंग द होम इंडस्ट्रियल फार्मेसी ओके फर्स्ट पॉइंट ये कहता है सेकेंड पॉइंट देखेंगे अकॉर्डिंग टू सेकेंड पॉइंट जो प्रेमाइसिस हैं वो लोकेट शुड नॉट भी लोकेटेड रेलवे लाइन्स जो रहते हैं uh, उसके सा, uh, जो प्रीमाइसिस uh, हैं उसके सराउंडिंग में कोई भी रेलवे रेलवे लाइन्स नहीं रहनी चाहिए बिकॉज इसकी जो वाइब्रेशंस है वो अफेक्ट कर सकते हैं हमारे ड्रग प्रोडक्शन में ओके okay. फिर दे शाल बी नो ओपन ड्रेनेज इन साइड और आउटसाइड द मैनुफेक्चरिंग प्रेमाइसिस कोई भी ओपन ड्रेनेज नहीं रहनी चाहिए जहाँ से कंटामिनेशन के चांसेस रहते हैं सो so कोई भी ओपन ड्रेनेज ड्रेनेज नहीं रहनी चाहिए इनसाइड और आउटसाइड द प्रीमाइसिस लाइक ये प्रीमाइसिस है, यहाँ पर और यहाँ पर सराउंडिंग द प्रीमाइसिस कोई भी ड्रेन नहीं रहनी चाहिए देन फोर्थ पॉइंट बोलता है कि इट शाल बी सो डिजाइन दैट एंट्री ऑफ रोडेंट इज़ चेक्ड मतलब जो हम लोग प्रीमाइसिस uh, अभी बनाने वाले हैं जो हम लोग प्रेमाइसिस बनाए हैं वो प्रीमाइसिस ऐसे रहनी चाहिए जहाँ पर कोई भी एंट्री नहीं होनी चाहिए रोडेंट्स जैसे कि रैट कॉकरोचेस ऐसे कोई भी जो ऑर्गेनि uh, uh, जो एनिमल्स जो ऑर्गेनिजम्स है वो क्या कर सकते हैं कॉन्टेमनेशन के चांसेस बढ़ा सकते हैं ऐसे ए रोडेंट्स को हम लोग चेक पे रखना है फिफ्थ पॉइंट है द ड्रेनेज ड्रेन शेल फैसिलिटेट ईजी फ्लो ऑफ द इफ्लो एंड एंड शैल बी क्लीन पीरियोडिकली मीन्स जो ड्रेन है जो वेस्ट प्रोडक्ट है जो फार्म जो हम लोग वॉश करते हैं जो वाटर जाता है जो वेस्टेज है, है वो जिसका जो उसका जो ड्रेन है वो क्या होना चाहिए इजीली फ्लोइंग रहना चाहिए कहीं भी ऑबस्ट्रक्ट नहीं होना चाहिए कहीं भी कलेक्शन नहीं होना चाहिए इसलिए हमें क्या करना होगा पीरियोडिकली उसको क्लीन करते रहना होगा ओके okay? पहले हमने देखा प्रीमाइजेस प्रीमाइस जनरल रिक्वायरमेंट जनरल रिक्वायरमेंट के अंदर हमने देखा लोकेशन और सराउंडिंग कैसी होनी चाहिए अब हम लोग देखेंगे बिल्डिंग बिल्डिंग द प्रीमाइजिज शैल नॉट बी यूज फॉर एनी पर्पज अदर देन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ होम्योपैथिक ड्रग एंड नो पार्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग मैसेज शैल बी यूज फॉर एनी अदर पर्पज़ मींस जो बिल्डिंग है जो बिल्डिंग हम लोग पर्सनली बना रही है पर्टिकुलरली किस चीज़ के लिए ड्रग मैनुफैक्चरिंग के लिए ये बिल्डिंग हम लोग बस ड्रग मैन्युफैक्चरिंग के लिए ही यूज करेंगे और किसी अदर पर्पज़ के लिए ही नहीं यूज़ करेंगे ओके अगर कोई अदर फैसिलिटीज़ हमें प्रोवाइड करनी है वो हम लोग क्या करेंगे ये प्रीमाइसिस है इसकी यहाँ पर एक बिल्डिंग है जहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं होम्योपैथिक ड्रग प्रिपेयर कर रहे हैं और ये प्रीमाइसिस में अदर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएगी ओके सो so, यहाँ पर क्या बोला है अदर फैसिलिटीज़ इफ नीडेड वुड बी प्रोवाइडेड इन सेपरेट बिल्डिंग इन अ सेम कैंपस ये सेम कैंपस है यहाँ पर वो बिल्डिंग है जहां पर होम्योपैथिक ड्रग प्रिपेयर हो रहा है और यहाँ पर अदर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे हाँ। ओके फिर क्रूड रॉ मटेरियल जो क्रूड रॉ मटेरियल है जो पैकिंग मटेरियल्स है एक्सेट्रा शुड नॉट बी टेकन इन साइड एरिया वाई क्रिटिकल ऑपरेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आर डन एक्सेप्टिंग प्रोसेस्ड रॉ मटेरियल मीन्स जो क्रूड मटेरियल्स है जिसका अभी जाके हमें आ, न्यू होम्योपैथिक ड्रग्स बनाने हैं ऐसे जो क्रूड ड्रग्स है जो पैकिंग मटेरियल्स है ये जो ड्रग्स है हम लोग Uh, नहीं ले जा सकते किस कहाँ जहाँ ऐसे एरियाज में जहाँ पर ऑपरेशन लाइक क्रिटिकल ऑपरेशन हो रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स में वहाँ पर एक्सेप्ट प्रोसेस रॉ मटीरियल जो प्रोसेसिंग में अभी जो रॉ मटीरियल है उसे हम दी जा जो वॉल है और जो फ्लोरिंग है मैनुफेक्चरिंग uh, एरियाज की शैल बी स्मूथ एंड फ्री फ्रॉम चिंग्स क्रैक्स ट्रिप्स एंड शैल बी वॉशेबल मतलब जो उसके फ्लोर्स है और जो जो वॉल है वो क्या होनी चाहिए वो आ, वहाँ पर कोई दरारे नहीं होनी चाहिए कोई क्रैक्स नहीं होनी चाहिए सो डैट कोई भी कॉन्टामनेशन कोई भी जो डस्ट है वहाँ पर आ, नहीं जमा मतलब वहाँ पर नहीं रहना चाहिए इसलिए जो वॉल्स भी रहेंगे वो स्मूथ रहना चाहिए और हम लोग उसको वॉश कर सकें ओके फिर आ, द डिज़ाइन ऑफ द विंडो जो विंडोज रहेंगे जो बिल्डिंग्स के विंडोज रहेंगे वो विंडोज़ और जो विंडोज़ के पैनल्स वो कैसे रहनी चाहिए द uh, विंडोज़ और जो पैनल्स है शुड नॉट फैसिलिटेट एक्यूमलेशन एंड लॉजिंग ऑफ डस्ट इन अदर कंटेमिनेट्स फिर हम लोग देखेंगे बिल्डिंग के अंदर द पर्टिकुलर पॉइंट इज रूम रूम्स कैसे होनी चाहिए जहाँ पर मैनुफेक्चरिंग हो रही है ड्रग्स की सो जो रूम्स हैं द रूम शुड बी एरी मतलब एयर कैपैसिज रहना चाहिए क्लीन एंड द टेम्परेचर ऑफ़ द रूम शुड बी मॉडरेटली कम्फर्टेबल जो टेम्परेचर है रूम का वो कम्फर्टेबल रहना चाहिए फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ड्रग फिर सेक्शंस विच आर रिक्वायर्ड टू बी स्टीराइल एयर कंडीशन एंड प्रोवाइडेड विथ एयर हैंडलिंग सिस्टम शुड बी डिजाइंड अकॉर्डिंगली फिर ऑल सेक्शन शुड बी फ्री जो भी सेक्शंस हैं जो भी एरियाज है जहाँ पर हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं ड्रग्स का इट शुड बी फ्री फ्रॉम इंसेक्ट बर्ड्स रोडेंट्स, एक्सेट्रा सुटेबल मेजर्स शाल बी टेकन टू प्रिवेंट द सेम फ्रॉम फाइंडिंग वेज टू अ सेक्शन एंड इक्विपमेंट्स ओके फिर इज सप्लाई जो वाटर सप्लाई होगा वो वाटर सप्लाई कैसा रहना चाहिए प्योर रहना चाहिए एंड ड्रिंकेबल क्वालिटी का रहना चाहिए फ्री फ्रॉम पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस्पोजेबल वेस्ट सो डिस्पोजेबल वेस्ट का क्या होगा देर शुड बी एडुकेट अरेंजमेंट फॉर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट वाटर एंड रेसि ड्यूज फ्रॉम द लेबोरेटरी जो अन जो वेस्टेज वाटर है जो यूज़ किया हुआ वाटर है उसका इजी पैसेज होना चाहिए और उसका सही से मैनेज अरेंजमेंट रहना चाहिए ओके okay? अब फैक्ट्री एक्ट क्या कहता है कि अकॉर्डिंग ट फैक्ट्री एक्ट जो प्रीमाइसिस है ये जो कंस्ट्रक्शन हो रही है फैक्ट्री की इट शुड बी इन अ हाइजेनिक कंडीशन ओके नेक्स्ट क्या है मेडिकल सर्विसेज जो मैनुफेक्चरर है मैनुफेक्चरर शैल प्रोवाइड एटकेट फैसिलिटीज फॉर फर्स्ट एड्स

ओके okay, जो मेडिकल जो वर्कर्स है जो वहाँ पे काम कर रहे हैं वो लोग को फर्स्ट एड प्रोवाइड करना चाहिए मेडिकल इंस्पेक्शन होना चाहिए सो so डैट कोई कोई भी कॉन्टेक्टेबल डिजीज डिजीज जो कि हार्मफुल है किसी भी पर्सन को हम लोग को इंस्पेक्ट कर सके और वो लोग को अवॉइड कर सके ओके okay? सो so, यहाँ पर क्या नेक्स्ट इज सेफ्टी मेजर्स फर्स्ट एड फैसिलिटेड शाल बी फैसिलिटीज शाल बी प्रोवाइडेड इन सच अ मैनर दैट दे आर इजिली एक्सेबल एंड द स्टाफ शाल बी इम्पार्टड नॉलेज एंड ट्रेनिंग इन फर्स्ट एड मेजर्स हैज़ मे बी नीडेड सो यहाँ पर क्या है जो सेफ्टी मेजर्स है ओके okay? जो फर्स्ट एड फैसेलिटीज़ है जो फेसिलिटीज़ है वो लोग को जो वर्कर्स है वो लोग को ट्रेन करना होगा उनमें और एक्सेबल ईजीली एक्सेबल स्टाफ शाल भी उनको नॉलेज देनी होगी पर्टिकुलर चीज़ की जो ट्रेनिंग देनी होगी फर्स्ट एड की ओके okay? फिर फायर कंट्रोल इक्विपमेंट्स आर सुटेब इन सूटेबल नंबर शाल बी प्रोवाइडेड इन ईजीली एक्सेबल एरियाज़ नियर ऑल सेक्शंस इंक्लूडिंग स्टोर्स एंड वेयर हाउस ओके देन इट इज़ वर्किंग बेंचेस जो वर्किंग बेंचेस है मतलब जो टेबल्स है ओके जो टेबल्स हम लोग यूज कर रहे हैं जो बेंचेस हम लोग यूज कर रहे हैं उनका क्या करना चाहिए सो जो वर्किंग बेंचेस है शाल बी प्रोवाइडेड

एरियाज एंड फॉर रीड डस्टिंग द सेव रिमूवल ऑफ वेस्ट वॉशिंग क्लीनिंग एंड ड्राइंग सो जो कंटेनर मैनेजमेंट है सही से हम लोग को रिसीव करने होंगे सही से पैकिंग करनी होगी फिर जो रीडस्ट डस्ट uh, निकालना होगा क्लीन रखना होगा एरियाज को ओके द नेक्स्ट इज सुटेबल इक्विपमेंट शाल बी प्रोवाइडेड हैज़ मी बी नीडेड कंसिडरिंग द नेचर ऑफ वर्क इन वॉल्ड सो सुटेबल इक्विपमेंट जो जो रिक्वायर्ड है वो प्रोवाइड करना होगा फिर सोप्स एंड डिटर्जेंट्स आर यूज टू वॉश कंटेनर्स एंड क्लोजर्स जो यूज किए हुए कंटेनर्स uh, है जो क्लोजर्स है उसको सोप और डिटर्जेंट से क्लीन करना होगा प्लास्टिक टूजर्व ऑब्जॉर्व एक्टिव प्रिंसि विच आर लाइकली टू कंटामिनेट कंटेंट में नॉट बी सो प्लास्टिक कंटेनर्स जो कि ये क्या करेंगे ऑब्जॉर्व कर सकते हैं एक्टिव प्रिंसिपल्स को और uh, जो

पर्सन बेयर करता है वो क्लोजर्स और जो वॉशर्स है जो हम लोग यूज कर रहे हैं इनट मटेरियल का होना चाहिए विच शल नॉट ऑब्जर्व द एक्टिव और कंटामिनेट द कंटेंट और विच में अदरवाइज बी लाइकली टू कॉज डिटोरिएशन ऑफ द क्वालिटीज ओके कंटेनर्स क्लोजर्स एंड पैकिंग मटीरियल शैल प्रोटेक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ द मेडिसिन ऐसे कंटेनर्स जो क्या करेंगे प्रोटेक्ट करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ मेडिकल मटेरियल्स uh, ओके okay, आज के लिए इतना ही नेक्स्ट uh, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक शेयर